छोटा सा गांव था जिसमें सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही काली थी और बदसूरत भी, इसलिए गांव के सभी बच्चे उस पर हंसा करते थे, उसका खूब मजाक बनाते थे। सुमन की एक छोटी बहन थी जिसका नाम आंचल था। वह दिखने में काफी सुंदर थी। आंचल को अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड था। वो भी सुमन के रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। तभी वहाँ उनकी माँ सुनैना आती है और बोलती है, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम दोनों को किस कलर की ड्रेस चाहिए बताओ, मुझे मैं लेके आऊंगी। बेटा सुमन, तुम्हें कौन से रंग की ड्रेस चाहिए बताओ मुझे। इसमें कौन सी पूछने की बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी ना। देखो माँ, आंचल मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। आंचल, अपनी बड़ी दीदी के लिए ऐसा नहीं बोलते, चलो दीदी से माफी मांगो। माँ, मैंने गलत क्या बोला, मैं माफी नहीं मांगूंगी। घर के बाहर भी सब लोग सुमन का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक दिन सुमन कुछ बंदरों को फल खिला रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन उसके पास आए और बोले, अरे अरे देखो, काली बंदरिया अपने भाई बहनों को खाना खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम लोगों से अच्छे हैं, कम से कम किसी का दिल नहीं दुखाते। अच्छा ठीक है, तो फिर इन जानवरों के झुंड में शामिल हो जाओ, हम इंसानों के बीच क्यों रह रही हो। सुमन को जानवरों से बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन उसकी नजर पेड़ पर बने एक घोंसले पर जाती है, जिसमें एक चिड़िया बहुत ही जख्मी थी। सुमन से वह जख्मी चिड़िया देखी नहीं गई, वह उसे अपने साथ घर ले जाती है। उसने चिड़िया को मलम पट्टी की और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी रखा। कुछ दिन बाद चिड़िया जब ठीक हो गई, तब सुमन उसे छोड़ने जंगल गई। जैसे ही सुमन ने उस चिड़िया को जमीन पर रखा, उस चिड़िया ने एक बहुत सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। यह देखकर सुमन डर गई। मैं परी लोक की रानी परी हूँ। जब मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी, तो एक पतंग के मांझे में फंसकर मैं जख्मी हो गई और पेड़ पर आहट की। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है, इस मदद के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम इसे लगाते ही बहुत सुंदर हो जाओगी। साथ ही तुम इस लिपस्टिक से जो कुछ भी मांगोगी वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। रानी परी सुमन को लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सुमन ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक लगाई, वो वहाँ से गायब हो जाती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई हूँ, अब तो मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। सुमन ये सब सोचते हुए जादुई लिपस्टिक लेकर गांव की ओर चल दी। तभी सुमन ने देखा अपने गांव की लड़की अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। उसका पीछा करते करते सुमन पार्क में जा पहुंची। वहां इंदु अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, आपने कुछ सोचा है हम कहाँ घूमने जाएंगे? अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलूँगा। उन दोनों की बातें सुमन एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी। इस इंदु ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे मैं अभी मजा चकाती हूँ। इतना कहकर सुमन जादुई लिपस्टिक लगाकर कहती है, इस इंदु को 60 साल की बुढ़िया बना दो। सुमन की इतना कहते ही इंदु एक बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे ये बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ गई? इंदु कहाँ चली गई तुम? अरे मुकेश, मैं हूँ तुम्हारी इंदु। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भागो यहाँ से। मुकेश उस बूढ़ी इंदु को देखकर वहाँ से भाग गया।
मुकेश मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट आओ मुकेश। इस इंदु की बच्ची को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब उस मुकेश की बारी। सुमन ढूंढते ढूंढते मुकेश के घर पहुंच जाती है। मुकेश अपने घर में बैठकर आराम से चाय पी रहा था, तभी सुमन दोबारा से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, मुकेश को एक गरीब बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही मुकेश एक 60 साल का गरीब भिखारी बन जाता है। तभी सुमन मुकेश की माँ को आवाज लगाती है और कहती है, आंटी जी जल्दी आइए, आपके घर में भिखारी घुस गया है। आंटी जी जल्दी आइए, भिखारी बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में मुकेश की माँ कमरे से बाहर आती है। अरे तू भिखारी घर के अंदर कैसे घुस गया, भाग यहाँ से। इतना कहकर मुकेश की माँ ने मुकेश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर सुमन मन ही मन बहुत खुश हुई। इन सबको तो मैंने सबक सिखा दिया, अब मेरे प्यारे बहना की बारी है। सुमन घर जाकर जादुई लिपस्टिक लगाती है और जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी बहन को बदसूरत बना देती है। यह देखकर वह बहुत रोती है। सुमन की इन्हीं हरकतों से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन रानी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वह नीचे उतरी, तब उसने देखा गांव वाले सभी लोग रो रहे थे। तब रानी परी ने गांव वालों से रोने का कारण पूछा। तब गांव वालों ने सब बता दिया जो घटना उनके साथ घट रही थी। यह सुनकर रानी परी बहुत गुस्सा हुई। वह तुरंत सुमन के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें ये लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दी। मैं जानती हूँ रानी परी, लेकिन उन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया, ताकि भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा ना करे। सुमन मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन ये तरीका सही नहीं था उन्हें सबक सिखाने का, और अब उन सब लोगों को अपनी गलती का एहसास है। रानी परी की बात सुनकर सुमन बहुत दुखी होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो रानी परी से माफ़ी मांगती है। रानी परी आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। रानी परी अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लेती है और सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग रानी परी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।